सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पाठ 18 ईश वंदना कविता पढ़ेंगे। प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे, सभी बच्चे अपने जल्दी से बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर पाठ 18 ईश वंदना, मतलब ईश्वर से वंदना, ईश्वर से प्रार्थना। बच्चे कैसी प्रार्थना कर रहे हैं सभी ध्यान से देखेंगे। हे ईश्वर, दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। हे ईश्वर, हे ईश्वर मतलब हे भगवान जी, दो यह वरदान, हमें यह वरदान दो, पढ़ लिख कर हम बहुत पढ़ें, बहुत लिखें, अच्छे बालक बने, हम बने महान, एक महान बालक बने, पढ़ लिख कर हम बने महान। बनकर फूल विश्व को, एक प्यारा सा फूल बनकर इस विश्व को, इस संसार को अपनी खुशबू से हम भर दें, अपनी खुशबू से, अपनी महक से हम भर दें। खुशबू से मतलब महक से हम भर दें, इस पूरे विश्व में अपनी खुशबू चारों तरफ फैला दें, जिससे हम महान बने। अन्याय, अनीति, अधर्म और आतंक नष्ट हम कर दें। अन्याय मतलब कोई गलत काम नहीं करें, हमेशा क्या करें, अच्छा काम, हमें अनीति नहीं करें, नीति करें, धर्म के धर्म वाला काम करें, जिसमें सबकी भलाई हो, अच्छाई हो, अधर्म काम नहीं करें। और आतंक नष्ट हम कर दें, आतंक मतलब भ्रष्टाचार, जो भी हमारे देश में, हमारे विश्व में गलत काम होते हैं उनको हम नष्ट कर दें, और अपने देश को, अपने विश्व को धर्म के मार्ग पर चलकर, हम चलकर उन्हें एक बहुत प्यारा देश बना दें। सारे जग का हो कल्याण, सारे जो हमारा जग है, विश्व है, देश है, उसका क्या हो, कल्याण हो, उसका भला हो। हे ईश्वर, दो यह वरदान। हे ईश्वर, हम आपसे बार बार यही वरदान मांगते हैं कि आप हमें ऐसा वरदान दो कि हम एक अच्छे बालक बनकर महान व्यक्ति बने। तो इस कविता से, इस पाठ की वंदना करने से, प्रार्थना करने से ईश्वर से, तो हमें क्या समझना चाहिए? बच्चे ईश्वर से पूरे जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें भी पूरे जग के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पढ़ लिख कर एक महान बालक बने, संस्कारी बालक बने, सबका कहना माने, सब आदर्शों का पालन करें, और कभी भी झूठ नहीं बोलें। सबको समझ आया? ओके, देखिए ये है शब्दार्थ। शब्दार्थ होते हैं मतलब जैसे कठिन शब्द होते हैं ना, वो वरदान। वरदान को हम क्या बोलते हैं? आशीर्वाद भी बोलते हैं। विश्व, विश्व क्या होता है? संसार होता है। ओके, खुशबू, खुशबू क्या होती है? महक। क्या होती है? महक। सारे मतलब समस्त, बहुत सारे मतलब समस्त बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, समस्त सदस्य हैं। ओके, कल्याण मतलब भला करना, कल्याण मतलब भला करना। अभ्यास प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस हैं, सोचो और बताओ। ईश्वर द्वारा बनाई 5 वस्तुओं के नाम लिखो। ईश्वर द्वारा बनाई गई 5 वस्तुएं, सूरज, चांद, पृथ्वी, हम बच्चे, ये सब किसने बनाए हैं? ईश्वर ने ही बनाए हैं। बच्चे किससे वरदान मांगते हैं? बच्चे ईश्वर से वरदान मांगते हैं। कौन महान बनना चाहता है? बच्चे महान बनना चाहते हैं। बच्चे ईश्वर से मांगते हैं वरदान। बच्चे संसार को महकाना चाहते हैं। महकाना पर क्लिक कीजिए। इसमें की भावना है, किसकी भावना है? विश्व कल्याण की, विश्व कल्याण की भावना है। चेंज योर पेज, जोड़े मिलाइए। ईश्वर है, क्या है ईश्वर? सर्वशक्तिमान। हमें नहीं करनी चाहिए अन्याय व अनीति।
सभी से करना चाहिए प्रेम, हमें कामना करनी चाहिए सभी के कल्याण की। ओके, देखिए भाषा ज्ञान, समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची लिखने में फूल को कहते हैं पुष्प, चांद को कहते हैं चंद्र, पेड़ को कहते हैं तरु, माँ को कहते हैं माता। ओके, इनके पर्यायवाची लिखने हैं ना हमें, पुष्प और सुमन, चांद चंद्र विधु, पेड़ का तरु और विटप, माँ माता और जननी। ओके, नेक्स्ट, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य का क्या होगा? असत्य। सच का झूठ होता है ना, जैसे सत्य का असत्य, न्याय का अन्याय। इसमें क्या हेडिंग दी हुई है? ए लगाओ और विलोम शब्द बनाओ। हमें हमारे पास जो शब्द लिखे हुए हैं उसके आगे हमें क्या लगाना है? ए, सत्य का असत्य, न्याय का अन्याय, धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान। ओके, रचनात्मक गतिविधियाँ, ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं में रंग भरो। जो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें हमें कलर फिल करना है। ओके, डू इट योर सेल्फ वर्क। ओके स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।